हर बार की तरह नियम अनुसार सोनकच्छ में रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन इस बार भी किया गया। सोनकच्छ जनपद पंचायत कार्यालय में रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन रखा गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सोनकच्छ SDM शिवानी तरेटिया, SDOP प्रशांत सिंह भदौरिया, तहसीलदार जितेंद्र वर्मा, BMO आदर्श ननेरिया व संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें पूर्व मंत्री सोनकच्छ विधायक सज्जन वर्मा ने बैठक के बाद उनके द्वारा सोनकच्छ नगर को ऑक्सीजन प्लांट के लिए दी गई 50 लाख की राशि के बारे में बताया कि अन्य सभी जगह विधायक निधि से जो राशि ऑक्सीजन प्लांट के लिए दी गई थी उससे प्लांट लगाए गए, परंतु भाजपा की दोगली सरकार ने मेरठ द्वारा दी गई राशि का उपयोग ऑक्सीजन प्लांट में नहीं करते हुए अन्यत्र खर्च करवा दिया। सोनकच्छ की जनता को ऑक्सीजन की से वंचित रखना कौन सी राजनीति है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाता तो दूर दराज से गाँव तक भी लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ से रिफिल कर अपने परिजनों को जीवन वायु देने में सफल रहते, परंतु ये सरकार सिर्फ अपने दोगलेपन के लिए ही जानी जाएगी। इसका एक जीता जागता उदाहरण सोनकच्छ में ऑक्सीजन प्लांट पर हुई राजनीति को लेकर आप देख सकते हैं। संजन वर्मा ने बैठक के बाद हल्का तेवर दिखाते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज की जो मीटिंग रखी गई थी, क्या विषय रहा भैया आज का? आज रोगी कल्याण समिति सोनकच्छ और टोंकखुर्द की बैठक थी। आज दोनों जगह के लिए बड़ा आक्रोश था रोगी कल्याण समिति में। एक तो 50 लाख रुपए विधायक निधि से मैंने दिए थे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा के उस पैसे की अफरा तफरी करती है। रोगी कल्याण समिति ने खुद कहा है कि ऐसे गंभीर विषय की जांच आवश्यक है आर्थिक अपराध और लोकायुक्त से, क्योंकि देवास जिले के अन्य विधानसभा खाते गन्नौद व अन्य जगह जो विधायक ने राशि दी थी वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लग गए, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा? ऑक्सीजन प्लांट इसलिए लगाया जा रहा था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वहाँ भर्ती लोगों को तो मिले, लेकिन गैस सिलेंडर भी रिफिल हों, ताकि दूर दराज के गाँव में गैस सिलेंडर की आवश्यकता रहती है वो परिपूर्ति की जा सके। और दूसरा आक्रोश था कि रोगी कल्याण समिति के सारे अधिकार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने छीन ली है। ना कोई टेम्परेरी सफाई कर्मी रख सकते हैं, ना टेम्परेरी ड्राइवर रख सकते हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, और उल्टे पूरे मध्य प्रदेश का एक ही आदमी को ठेका दे दिया शिवराज की सरकार ने कि काला पीला करो, सफाई मत करो, काला पीला करो। ना सफाई की व्यवस्था है, ना कुछ है। और जो जिसको ठेका दिया है, मान लो 8,000 रुपये का रेट एक व्यक्ति का, उसको 4,000 देते हैं और 8,000 में साइन कराते हैं। ये अन्याय मध्य प्रदेश के उन गरीब लोगों के साथ शिवराज की सरकार में हो रहा है, सबका प्रति